देखिएगा द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। द हाउस माने एक घर, द ओनली वन माने केवल एक, इन द एंटायर वैली माने संपूर्ण घाटी में केवल और केवल एक घर। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, सेट माने स्थित है, ऑन द क्रिस्ट माने चोटी पर, ऑफ अ लो हिल निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल और केवल एक मात्र घर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी सी माने देख सकता है, द रिवर माने नदियों को, कोई भी व्यक्ति इस ऊंचाई से नदियों को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी फसल को देख सकता है, डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदी हुई फसल है उस फसल को भी देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छी फसल होने का दावा प्रस्तुत करती है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग माने केवल एक चीज की आवश्यकता, अर्थ माने पृथ्वी को, नीडेड माने आवश्यकता थी, वाज अ डाउनफॉल, पृथ्वी को सिर्फ एक चीज की आवश्यकता थी, वो है या तो डाउनफॉल, डाउनफॉल मतलब या तो मूसलाधार, और एट लीस्ट अ सोवर, या तो फिर बौछार वाली वर्षा की आवश्यकता थी। लैंचो की जो जमीन है, जो खेत है, उस खेत को एक ही चीज की आवश्यकता थी, वो था पानी। कैसे बरस जाए, या तो मूसलाधार बारिश हो जाए, या मूसलाधार बारिश नहीं हो रही तो बौछार वाली बारिश से ही काम चल सकता है। थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से लेकर के लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, हैड डन नथिंग इल्स, उसने कुछ भी नहीं किया था, बट माने लेकिन, सीन द स्काई, लेकिन आकाश की ओर देखता रहा, टू वर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मीन्स जानते हो क्या होता है, उत्तर पूर्व की दिशा में सुबह से लेकर शाम तक बादलों को निहारता रहा, इसके अलावा उसने और कुछ काम नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, उसने अपनी पत्नी से कहा, ना माने आप, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन हु वॉज प्रिपेरिंग सुपर, औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड माने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, यस भगवान ने चाहा तो हम पानी उसका करने जा रहे हैं। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े वाले बच्चे थे वो वर वर्किंग माने कार्य कर रहे थे, इन द फील्ड माने खेत में, वाइल माने जबकि, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहाँ पर खेल रहे थे भैया, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल माने जब तक, द वोमैन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक वह औरत उन सभी को नहीं बुला लेती तब तक वह बच्चे खेलते रहते थे, लेकिन वो औरत बुलाती थी तो किसके लिए बुलाती थी, कम फॉर डिनर, रात्रि का भोजन जब बन जाता था तो बोलती थी कि डिनर के लिए आ जाओ, जैसे ही डिनर का टाइम होता था वो बच्चे अपना खेल बंद करके खाना खाने के लिए आ जाते थे, और जब तक नहीं बुलाती थी तब तक वह बच्चे घर के पास मैदान पर खेलते रहते। इट वॉज डूरिंग द मील, डूरिंग माने दौरान, द मील माने भोजन के, भोजन के दौरान, जैसे भोजन करने बैठे, जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी, बिगन टू मीन्स होता है लगा, लगी लगी, जब कोई कार्य प्रारंभ हो जाता है तो बिगन टू, तो बिग ड्रॉप ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगन टू फॉल माने गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जानते हो पूरब और ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, ह्यूज माने विशाल, माउंटेन माने पर्वत, ऑफ क्लाउड माने बादल, बादलों के बड़े बड़े पर्वत जैसे बादल, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते दिखाई देने लगे, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा
हवा एकदम सुखद थी, फ्रेश माने तरो ताजा थी, एंड स्वीट माने मधुर थी। कहने का मतलब ये जब बादल होता है, मौसम चेंज होता है तो बहुत ही शीतल हवा बहने लगती है, इसीलिए कहा गया था एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड द मैन वेंट आउट। आदमी वेंट आउट माने बाहर गए, फॉर नो अदर रीजन माने किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गए, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, जबकि अपने शरीर पर वर्षा की सुखद बूंदों का आनंद लेने के लिए घर से बाहर गए। एंड माने और व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस आए तो ही एक्सक्लेम, उन्होंने वर्णन किया, कहा, एक्साइटेड होकर के कहा, क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही, या ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू पॉइंट्स, वे नए सिक्के गिर रहे हैं, वर्षा की बूंदें नहीं बरस रही हैं, ये क्या बरस रहे हैं, नए सिक्के बरस रहे हैं, द बिग ड्रॉप्स आर सेड, सॉरी 10 सेंट्स पीसेस, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे के बराबर हैं, 10 सेंट्स के बराबर है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो कितनी हैं, 5 सेंट्स के अकॉर्डिंग हैं, 5 सेंट्स के बराबर हैं। आगे देखें, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ माने साथ, सेटिस्फाइड माने संतुष्टि के, एक्सप्रेशन माने भाव, संतुष्टि के भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी फसल को वह निहार रहा था, देख रहा था, विद इट्स फ्लावर, जो फूलों से लदी हुई फसल थी उस फसल को वह क्या कर रहा था, देख रहा था, कौन देख रहा था भैया, रिगार्डेड की मीनिंग देख लो, मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा, सम्मान की दृष्टि से उसको क्या कर रहा था, देख रहा था, उसको समझ रहा था। जो क्या थी, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी फसल को सम्मान दे रहा था, विद इट्स फ्लावर, जो अपनी फूलों से लदी हुई थी, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन्स, कर्टेन माने चादर होती, पर्दा होता है, ऑफ रेन माने बरसात के चादर से वह क्या हो गई थी, ड्रैप्ड माने ढक गई थी फसल, बट माने लेकिन, सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, अचानक से स्ट्रॉन्ग मजबूत यानी तेज हवा चलने लगी, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और इसके साथ वर्षा भी होने लगी, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और उसी वर्षा के साथ साथ ओले भी क्या करने लगे, गिरने लगे, दिस ट्रूली डिड रिसेम्बल न्यू सिल्वर कॉइंस, ये वास्तव में कैसे लग रहे थे, न्यू सिल्वर कॉइंस, नए चांदी के सिक्के के समान वह लग रहे थे, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, लड़कों ने अपने आप को खुला छोड़ दिया, रेन माने दौड़े, आग माने बाहर टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन बर्फीले मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, उन्हें कलेक्ट करने के लिए लड़कों ने अपने आप को खुला छोड़ दिया और घर से बाहर दौड़ पड़े और उन्हें कलेक्ट करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, वर्णन किया, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है, आई होप, उम्मीद करता हूँ, इट पासिस क्विकली, कि यह शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा, शीघ्रता से निकल जाएगा ये बरसात, ओले बंद हो जाएंगे, ऐसी उसने कहा कि मैं ऐसी आशा करता हूँ, इट डिड नॉट पास क्विकली, इस शीघ्र नहीं गुजरे, शीघ्र बंद नहीं हुए ओले, और एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, हेल माने ओले, रेंड माने बरसे, ऑन द हाउस माने घर पर, घर पर एक घंटे तक ओले बरसे, घर पे का वो तो जब जैसे जहाँ बरसेंगे तो वो तो सभी जगह बरसेंगे, तो चाहे घर हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, तो फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, घर पर एक घंटे ओले बरसे, द गार्डन बगीचे में भी बरसे, द हिल साइड पहाड़ियों की साइड में बरसे, द कॉर्न फील्ड माने पकी फसल पर बरसे, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में ओले एक घंटे तक कंटिन्यू बरसते रहे, द फील्ड वॉज वाइट, खेत एकदम सफेद थे, एज इफ मानो,
कवर्ड माने ढक दिया हो, विद साल्ट माने नमक से। जब वह ओले बरस गए, पूरी तरह से तर हो गए, तब वहाँ देखने में ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसको साल्ट से, नमक से इसको ढक दिया हो। नॉट अ लीव रिमेन ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची, इतने भयंकर ओले बरसे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए, गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड माने भर गई थी, विद सैडनेस माने दुख से। सभी को दुख होगा, किसान को सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है, जब उसकी फसल आती तब उसे बहुत खुशी होती है। उस साल भर काम करता रहता है, खेतों पर मेहनत करता रहता है, और ऐन मौके पर अगर तबाह हो जाए फसल तो वह दुख का, उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तो वही हुआ, उस रात डेंचो की आत्मा दुख से क्या हो गई, भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वह तूफान गुजर गया, ओले बंद हो गए, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीचों बीच खड़ा, खेत के मध्य में खड़ा, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने पुत्रों से बोला, अपने लड़कों से बोला, क्या बोला सुनो, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर टिड्डियों का झुंड, अगर दीमक भी अगर फसल में लग जाए, टिड्डियों का दल आ जाए, टिड्डियों का झुंड आ जाए, अगर वो भी फसल को खाते, वो भी बर्बाद कर दे, तो इतना नहीं कर पाते जितना कि ओलों ने तबाह कर दिया। सीधा सीधा लिखा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट, छोड़ जाते मोर देन दिस, इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाते हो। डैश डैश लगा, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी, अनाज नहीं होगा। That night was a sorrowful one, वो एक भयानक रात थी। All our work for nothing, जो हमने इतना मेहनत किया उसका कोई परिणाम नहीं निकला। For nothing, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। There is no one, कोई नहीं है who can help us, जो हमारी सहायता कर सके। We will all go hungry this year, इस साल हम सभी लोग भूखे मर जाएंगे। बट मैं लेके इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी व्यक्तियों के हृदयों में हूँ, माने जो लिफ्ट माने रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस, माने उस एकांत घर में जितने भी बंदे रहते थे, जितने भी सदस्य रहते थे, उन सभी के हृदयों में, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो उस घाटी के मध्य में जो एक घर स्थित था, एकांत घर स्थित था, उस एकांत घर में जितने भी सदस्य थे, उन सभी के हृदयों में एक ही उम्मीद थी, देयर वॉज अ सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद ली। कौन मदद कर सकता है? गॉड। देखिएगा, डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि आप सोचते हैं, दिस मन या सीम्स मन लगता है लाइक अ टोटल लॉस, यदि आपको ऐसा लगता है कि संपूर्ण हर चीज नष्ट हो गई है, सीम्स मन प्रतीत होता है लाइक अ टोटल लॉस, सब कुछ समाप्त हो गया है, तो रिमेंबर माने याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी व्यक्ति नहीं मरता है। That is what they say, यही वो बात है जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, No one dies of hunger, भूख से कोई नहीं मरता है। All through the night, सारी रात, Lancho thought, Lancho ने सोचा, Only one of his hope, Lancho thought, Lancho ने सोचा, Only of his one hope, केवल और केवल एकमात्र इच्छा के बारे में उसने सोचा, एकमात्र आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद, हूज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि दिशा निर्देशित किया गया था, सी माने देखती है, एवरीथिंग माने हर चीज, इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियस, इवन व्हाट इज डीप,
सबकी अंतःकरण की आंखों से वो हर चीज को देख लेते हैं। किन की आंखें देख लेती है? गॉड की आंखें। गॉड हर चीज देख सकते हैं अपनी अंतःकरण से। आगे देखें, लंच वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लंच था एन ऑक्स, एक बैल ऑफ अ मैन। लंच इंसान रूपी बैल था। अब इंसान रूपी बैल कैसा होता है वो सुनिएगा। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जो पशुओं की भांति खेतों में काम करता था, इसीलिए उसको पशु की उपाधि दी गई है, बैल की उपाधि दी गई है। बट माय लेकिन स्टिल मैन फिर भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। वह पढ़ना लिखना भी जानता था। कौन जानता था? लैंचो। द फॉलोइंग संडे माना आने वाली संडे को, एट डे वीक माने सुबह सुबह से, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखने लगा। विच माने जिसे, ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे की ओर ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, वो जाकर के मेल बॉक्स में डाल देगा। बड़े सुबह सुबह वह संडे को पत्र लिखने लगा, उस पत्र को स्वयं ले जा करके डाक घर में जो पत्र पेटिका होती है ना उसमें स्वयं डाल दे। इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं था, लेस देन अ लेटर टू गॉड, पर गॉड को पत्र लिखने के अलावा उसमें और कुछ नहीं था। उसने लिखा गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड पत्र में, क्या लिखा गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो, के लिए कॉमा लगा, कंडीशनल सेंटेंस है यहाँ पे। If you don't help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो my family and I, मैं और मेरा परिवार will go hungry this year, इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। I need 100 pesos, मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है, in order to sow my field, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा बो सकूं। And to live until the crop comes, जब तक फसल ना आ जाए तब तक मैं अपना जीवन यापन कर सकूं। तब तक के लिए मुझे 100 पैसे उधार चाहिए आपसे। Because माने क्योंकि, the hail storm dash 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 का मतलब समझ गए ना, कि hail storm ओलों ने मेरी फसल को तबाह कर दिया। आगे देखिए, he wrote, उसने लिखा to God। जब किसी को पत्र लिखा जाता है तो लिखा जाता है टू, ठीक है, सेवा, और जो लिखता है वहां लिखा जाता है फ्रॉम से टू, यहां से यहां को। तो कहने का मतलब उसने लिखा, किस पे लिखा? लिफाफे पे लिखा, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, लिफाफे पे उसने लिखा टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, और उस लेटर को उस लिफाफे में अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, स्टिल माने फिर भी, ट्रबल्ड माने परेशान हुआ, वेंट टू टाउन, कस्बे की ओर गया, यानी वह कस्बे में गया, एट द पोस्ट ऑफिस, कस्बे में जो पोस्ट ऑफिस का डाक घर था वह वहां गया। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने उस लेटर पे एक स्टाम्प लगा दिया, जानते हो, डाक टिकट लगा दिया, एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, पत्र पेटिका में उसको डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज लिखा है, एम्प्लॉइज में जान दो कर्मचारी, उन कर्मचारियों में से एक कर्मचारी हु वाज अ पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन था, पोस्टमैन जानते हो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस डाकघर की मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, जोर जोर से हंसते हुए, दिल खोल के हंसते हुए अपने वह मालिक के पास गया, बॉस के पास गया, एंड शोव्ड हिम, और उसे दिखाया, क्या दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के पते वाला पत्र उसने अपने बॉस को दिखाया। नेवर माने कभी नहीं, इन हिज करियर माने उसने अपने जीवन में, एज अ पोस्टमैन, जब वह डाकिया था तो उसने अपने जीवन में
हैड ही नॉन दैट एड्रेस, ऐसा पता वाला पत्र उसने जीवन में आज दिन तक नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जब वह पत्र लेकर अपने पोस्ट मास्टर डाकपाल के घर पर गया, सॉरी डाकपाल के पास गया, और डाकपाल की क्वालिटी देखो कैसी थी, अ फैट मोटा सा एमिएबल था, खुश मिजाज, दिल खुश आदमी था वो। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, जोर जोर से हंसने लगा, उसकी जोर से हंसी निकल पड़ी। बट मैं लेकिन ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टायर्ड सीरियस, लेकिन शीघ्र ही हुआ क्या हो गया, गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने टेबल पर रख करके लेटर पर कमेंट करने लगा, थपथपाने लगा उस पत्र को। कमेंटेड उसने टिप्पणी की, क्या टिप्पणी की, क्या बात कही उसने उस समय, सुनिए। व्हाट अ फेथ, कितना विश्वास है। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, आई हैड द फेथ, काश मेरे पास में इतना विश्वास होता, ऑफ अ मैन, उस आदमी की तरह, हु माने जिसने रोट दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा, जिस बंदे ने यह पत्र लिखा, काश उस जितना विश्वास मैं गॉड पे करता। स्टार्टिंग विद अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिस बंदे ने भगवान से पत्राचार शुरू किया, काश उतना विश्वास मेरे अंदर भी हो पाता। सो अतः इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति जो उसका विश्वास है, जो आस्था है, उसको डिगाने की कि उसका विश्वास ना टूटे, इसलिए उन्होंने कहा किया, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया, आंसर द लेटर, के उस पत्र का जवाब दिया जाए, अगर उस पत्र का जवाब नहीं देंगे तो उस आदमी का यानी लैंचो का जो दृढ़ विश्वास है ईश्वर के प्रति, वो टूट जाएगा, वो डिग जाएगा, वो विश्वास खत्म हो जाएगा। तो विश्वास खत्म ना हो, ईश्वर के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा विश्वास बना रहे, इसलिए हम सबको मिलकर के उस पत्र का आंसर देना ही होगा। बट मैन, लेकिन व्हेन ही ओपेंड इट, जब उन्होंने उस पत्र को खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था, दैट मैन ही टू आंसर, टू आंसर उसका उत्तर तो देना है, स्पष्ट था, इट नी सॉरी आंसर इट के इसका उत्तर देना है, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, कि आंसर देने के लिए केवल अच्छे विचारों के अलावा, इंक एंड पेपर के अलावा किसी और चीज़ की भी आवश्यकता थी। देखा जाए कि जब किसी का पत्र का आंसर देना होता है तो पेपर चाहिए, इंक चाहिए, अच्छे विचार चाहिए, तो उन्होंने कहा पेपर, इंक और अच्छे विचारों के अलावा किसी और चीज़ की भी आवश्यकता थी। बट मैं, लेकिन ही स्ट्रक हिज रेसोल्यूशन, लेकिन वह अपने दृढ़ विश्वास पर, अपने निश्चय पर वह कायम रहा, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था उस पर वो अडिग रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, उसने अपने कर्मचारियों से सैलरी के बारे में पूछा, पैसे के बारे में पूछा कि आपके पास कितना पैसा है। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ सैलरी, उसने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा भी दिया, कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे मित्र वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, वर ऑब्लाइज माने आभारी हो गए थे, टू गिव माने देने के लिए, समथिंग माने कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस पुण्य के कार्य के लिए उनके जो कर्मचारी हैं वो भी अपने अपनी सैलरी से कुछ कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। सपोज करो डाकपाल ने दो रुपये दिए, तो बाकी सब ने मिला करके 50 पैसा 50 पैसा ऐसे कर करके इकट्ठा काफ़ी हो गया था, लेकिन जो लैंचो ने मांगा था उस तरह से नहीं हो पाया था। वो सुनिए, इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम माने उसके लिए, किसके लिए, डाकपाल के लिए असंभव था, टू गैदर माने इकट्ठा करना, और टुगेदर माने साथ साथ इकट्ठा करना, उसके लिए असंभव था। कितना साथ साथ इकट्ठा करना, 100 पीसेस, 100 पैसे उसे एक साथ इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था।
सो मान्यता ही वॉज एबल टू सेट द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। इसलिए वह उस किसान के पास आधे से कुछ ज़्यादा पैसा भेजने में सक्षम हो पाया, आधे से ज़्यादा कुछ पैसा भेज पाया। लिखा है सीधे ही वॉज एबल टू सेंड, समर्थ था पैसा भेजने के लिए द फार्मर माने किसान के पास ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, तो लगभग कितना हो गया 70%। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, उसने उस मनी को उस पैसे को एक लिफाफे में रख दिया, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिख दिया, एंड विद देम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और भगवान के नाम के सिग्नेचर सिंगल वर्ड बना करके उसने लिख दिया, जैसे अपन लोग लिखते हैं सिग्नेचर बनाते हैं। तो उस डाकपाल ने भगवान के रूप के सिग्नेचर बना करके उसमें रख दिए, सीधे सीधे सिग्नेचर कर दिए, ओनली अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड, जैसे चिड़ैया नहीं बिठा देते इनिशियल वर्ड, चिड़ैया बिठा दी भगवान के नाम की और डाल दी। द फॉलोइंग संडे, आने वाली संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले संडे को लेंचो केम अ बिट अर्लियर, बहुत सुबह सुबह आ गया, सुबह सुबह जानते हो तड़के बोलते, जैसे यूजुअल माने सामान्यतः, टू आस्क माने पूछने के लिए, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम कि क्या भैया मेरे लिए कोई पत्र आया, या मेरा कोई पत्र आया, कोई डाक आई, इट वॉज द पोस्टमैन, यह पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ माने स्वयं, यह स्वयं पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने वह पत्र उसको हैंडेड कर दिया, हाथों हाथ पे दे दिया, वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म अ गुड डीड, जिसने एक अच्छा कार तैयार किया था या अच्छा कार किया था, संतोष का भाव लेकर के लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर वे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के अपने कार्यालय के दरवाजे से यह सारी चीजों को देख रहा था, सारा दृश्य वह देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देख करके लेंचो को जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, जरा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, सच माने वास्तव में वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि भगवान को मेरी मदद करनी ही पड़ेगी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था उसे। बट माने लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उस बंदे का मतलब है लेंचो ने पैसे काउंटिंग की, गिनती की, बेचारा नाराज हो गया, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वो देने से मना कर सकते, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जैसा कि या जितने लेंचो ने पैसे मांगे उतने देने से वो ना मना कर सकते हैं और ना ही वह भेजने में कोई गलती कर सकते हैं। इमीडिएटली माने तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और उसने फिर से इंक मंगाई, पेपर मंगाया, कलम मंगाई और पत्र लिखने बैठ गया, फिर से पुनः पत्र लिखना चाह रहा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ टेबल डली होती है, बहुत सारे लोग वहाँ आकर के पत्र लिखते हैं, तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, उस पत्र लिखने वाली टेबल पर बैठ गया, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने पत्र लिखना आरंभ किया, विथ मच रिकलिंग ऑफ हिज आईब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, वह जब अपने विचारों को प्रकट कर रहा था, विचारों को उस पत्र में लिखना चाह रहा था, उस समय उसकी भौएं रिकलिंग मान भौएं क्या हो रही थी, सॉरी रिकलिंग ऑफ हिज ब्रो उसकी भौएं क्या कर रही थी, सिकुड़ रही थी, किस कारण हो रहा था ऐसा, किस कारण हो रहा था, जब वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा था उस समय उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे, उसका माथा फैल रहा था और सिकुड़ रहा था, समझ गए ना,
जब कोई भी व्यक्ति एग्जाम देता है या कुछ अपने विचारों को लिखता है तो बहुत ही ज़्यादा उसका सिर टेंशनाइज हो जाता है, उसकी जो माथे की सिलवटें हैं वो सुकड़ती हैं, फैलती हैं। इस तरह से लहचू के साथ भी हो रहा था। When he finished, जब उसने लेटर समाप्त किया, he went to the window, पर खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए गया, which he licked, जिसे उसने खुद स्वयं से क्या किया, licked माने चाटा, जैसे अपन डाक टिकट लगाते हैं, जीप में तुरंत फेर देते और चिपका देते, तो उसने क्या किया, उसमें थूक लगाया, and then affixed to the envelope with the below of a fish, और उसने उस डाक टिकट को ऐसे करके उस पर लगा करके ऐसी ऐसी करके चिपका दिया उस लिफाफे के ऊपर। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और कुछ ही क्षणों में उसने जाकर के पत्र को मेल बॉक्स में डाल दिया, पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और वहाँ पोस्ट मास्टर भी लगा हुआ था, सीधे सीधे वह भी बंदा गया जाकर के उसको खोल लिया। इट सेड, उसमें कहा गया, जब उसको खोला गया पत्र को, उसमें सिर्फ एक ही दो तीन बात लिखे थे, क्या लिखे थे, गॉड ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, वह पैसा जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 pieces रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 70 पैसे पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट का मतलब जो बचे हुए 30 पैसे वो और भेज दीजिए, सिंस मान, क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी सख्त आवश्यकता है। लेकिन एक बात और है आपको।